ओके हेलो एम सी वेलकम बैक टू माय चैनल तो देखिए ना आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पर भी हम सेम हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो देखिए बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अभी तक फिलहाल हमारे लेक्चर डिस्कशन में ले चुके हैं आज बनने वाला है हमारा लेक्चर लेक्चर ओके और आज के इस 14th के अंदर हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन लेना है विच इज एंजाइम कैनेटिक्स अगर मैं आपको एंजाइम कैनेटिक्स के बारे में बताऊं तो इसके अंदर आपके बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं बहुत सारे टॉपिक्स तो मतलब ये कि इसके अंदर आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम पे बनते ही बनते हैं पहला टॉपिक जो इसके अंदर बनता है वो है ये दोनों प्लॉट एंड इक्वेशन आप जो भी बोलना चाहें जिसमें पहली आपकी माइकल मेंटल इक्वेशन और दूसरी आपकी लाइन वेवर बर्क प्लॉट तो ये दोनों जो प्लॉट एंड इक्वेशन है ये आपके एंजाइम कारनेटिक्स के अंदर ही आते हैं एंजाइम कारनेटिक्स की स्टडी के बारे में ही बताते हैं जिसको हमने डिस्कशन में लेना है जो की काफी इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ इसके अंदर आते हैं आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम कानेटिक्स अगर आपके सिलेबस में एंजाइम कानेटिक्स का टॉपिक है तो आप सोच लीजिए कि आपके एंजाइम कानेटिक्स के अंदर ये क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं साथ ही

रेट के साथ साथ एक और काम करती है ये यह भी बताती है कि जो एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन है

इनकी क्या एफिनिटी है किसके सबस्ट्रेट और इनिबीटर के टूअर्स यानी कि आपके एंजाइम की एफिनिटी बत, बताता है किसके लिए आपके सबस्ट्रेट के लिए और आपके इनिबीटर्स के लिए और साथ ही साथ नेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि काइनेटिक्स आल्सो प्रोवाइड अ अ इनसाइट इनटू रिएक्शन मैकेनिज्म ये आपको ये भी बताता है कि आपका जो कोई भी रिएक्शन चल रही है उसके रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में भी बताता है कि कैसे आपकी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है कैसे आपका एंजाइम जो है वो आपके रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है कौन से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैसे

सेम हमने बी के लिए किया माइनस का साइन इसमें भी आएगा बिकॉज ये भी रिएक्टेड मॉलिक्यूल है तो हो गया माइनस और प्रोडक्ट के अब अगर आप इसकी रेट निकालोगे तो रेट क्या आएगा तो हमको बताए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इसके ऊपर आपका इसका एक्सपोनेंट रखोगे उसके बाद कंसेंट्रेशन ऑफ बी इसके ऊपर इसका एक्सपोनेंट रखोगे तो एफ एंड जी इसके हमने एक्सपोन कंसिडर ओके अब इसको आप पूरा लिखोगे तो कांस्टेंट का डायरेक्टली का साइन हटेगा का, और कांस्टेंट के ऐड हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगी इस रिएक्शन की ये रेट मिल जाएगी ओके अब ये बोल रहे हैं, इस रेट में जो ये एक्सपोनेंट्स हैं एफ और जी इनकी वैल्यू को अगर आपने डिटरमाइन करना है तभी आप रेट निकालेंगे इसकी वैल्यू आप कैसे डिटरमाइन करोगे तो बोला इसकी वैल्यू डिटरमाइन होती है एक्सपेरिमेंटली और ऐसा जरूरी नहीं होता है कि इनकी जो वैल्यू होगी वो जब आप रिएक्शन बैलेंस करते हैं बैलेंस करने के बाद यहाँ जो कोफिशियंट आते हैं उन कोफिशियंट के इक्वल हो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं होता है

किसी रिएक्शन के काइनेटिक्स को अफेक्ट करती है इसको हमने डिस्कशन में लेना है ओके अब मैं इसको वापस से यहाँ लिखती इससे बेटर मैंने बोला आपको कि आप मेरे लेक्चर पर जाएगा मैं आ, आपको दिख दूंगी मतलब इससे बेटर क्या है कि आपको मैंने बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही मैंने लेक्चर दिया हुआ है जिसके अंदर हमने फैक्टर्स की बात की ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके रेट को अफेक्ट करते हैं उनको जस्ट आपने यहाँ पे ऐड करना है ओके okay, बाकी कुछ नहीं है ओके okay? इस वजह से मैंने उनको यहाँ पे ऐड नहीं किया बिकॉज वही आपने ऐड करना है अब इसके बाद जो हमारे टॉपिक बनेंगे वो हमारे ये दोनों मॉडल्स बनेंगे जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कशन में लेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही था एंजाइम कानेटिक्स आपने ऐड करने और उसके साथ साथ फैक्टर्स एड करने जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इस वजह से लेक्चर को इतना ही रखा ठीक है तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं मिलेंगे ने नेक्स्ट लेक्चर पे तब तक के लिए बाय बाय